कैसे भी हों, जज्बा इन्हें आसान बनाता है। इसी जज्बे से सरशार अनवर मेहनत से अपना काम अंजाम देते हैं। मेरी जो साइट है, बचपन में 3-4 साल की एज में गई थी रॉन्ग मेडिकेशन से। उसके बाद मुझे शौक़ बहुत था तालीम का, और इस वजह से मेरी मम्मी लोग ने मुझे नुमाइश पे जो स्कूल है, आईडारी स्कूल फॉर द ब्लाइंड, वहाँ पे हॉस्टल में डाला। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया, वही मेरी बेसिक है एजुकेशन। उसके बाद मैंने इंटर करके कराची यूनिवर्सिटी गया, और फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। ऑनर्स में कंटिन्यू नहीं कर सका इंग्लिश डिपार्टमेंट में, लेकिन मैंने SMART से BA किया। मीनवाइल मैंने PACC से, अमेरिकन कल्चर सेंटर से, जो है वो एडवांस डिप्लोमा किया। जॉब चूँकि वक्त की ज़रूरत है, इसलिए मैंने अप्लाई किया 1992 में टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट में। मैंने चूँकि 6 महीने की ट्रेनिंग ली थी टेलीफोन ऑपरेटर की, और उसी बेस पे मेरी जॉब हुई, और मेरी जॉब पुलिस डिपार्टमेंट में कंफर्म हुई। मेरा काम एज ए टेलीफोन ऑपरेटर कॉल रिसीव करना और थ्रू करना है, जैसे आज मैं माशाल्लाह बहुत खुश हूँ और बहुत मुतमईन हूँ। वो इंसान ही क्या जो दूसरों के काम ना आए, यही मानना है अनवर का। यूनिवर्सल नोट्स एम ए तारीख इस्लाम साला फिर पर्चावर मुस्लिम सियासी अफकारो इदारे कैसेट नंबर 4 साइड A, ये रिकॉर्डिंग एमिगो टॉकिंग लाइब्रेरी के लिए की जा रही है। इसलिए ये मलीर के इलाके में एक टॉकिंग लाइब्रेरी भी चलाते हैं। इसका मकसद इन अफराद तक इल्म की रसाई है जो इसके सही तालिम हैं। हर वक्त मुझे कोई रीडर मयसर नहीं है। हद ये है कि मैं मतलब कहूँ तो मेरी वाइफ भी हर वक्त मुझे टाइम नहीं दे सकती, और दोस्त अहबाब तमाम लोगों की अपनी मसरूफियत होती है। लेकिन अगर एक चीज़ मेरे पास है, मेरी दस्तरस में है कि मैं जब चाहूँ उसको सुन सकूँ, तो वो क्या हो, तो वहाँ मैंने ये सोचा कि भई एक ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें किताबें कैसेट के ऊपर रिकॉर्डेड हों, टेप मेरे पास है, जब मेरा दिल चाह रहा है मैं वो कैसेट लगाऊं, टेप ऑन करूं और सुन लूं। वी नीड कोऑपरेशन, नॉट सिंपथी। तर्स नहीं चाहिए हमें, आपका तआवुन चाहिए। आप में से जो हजरात किसी भी तरह हमारी मदद करना चाहें लाइब्रेरी के हवाले से, जैसे मैंने कहा कि हमें रीडर्स चाहिए वॉलंटियर्स के तौर पर, तो वो हमें रब्ता कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। अनवर की हिम्मत हम सबके लिए यकीनन काबिले तारीफ है।